लोगों की असलियत जो मनीष में खोजा जा रहा है वो बिन खोजे ये छोट भाई का पत्रकार सब में मिल जाएगा जो मनीष का विरोध कर रहा है। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न देखा कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। ये देखिए इनके बातों पे गौर किया जाए और आप लोग भी कीजिए। अरे एक बात सोचिए, कुत्ता भी कुत्ते का मांस नहीं खाता है, शेर भी शेर का मांस नहीं खाता है। यार आप लोग कैसे पत्रकार हैं कि एक पत्रकार का विरोध? सरकार की निकम्मी सरकार, बिहार की डिप्टी सीएम निकम्मी, जो आज मनीष को अपनी एड़ी चोटी एक कर दिया, 40 लाख की बात कर रहा है, जहां 600 करोड़ की मामला है, सीबीआई पूछ रही है, मांग रही है, वैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं किया जाता है, वो सरकार चला रहा है। है। अब उन लोगों का भ्रष्टाचार का खुलासा हो नहीं पाएगा जल्दी, इसलिए उन्हें खुशी है। खुशी तो होगी ना, धरातल पर जो व्यक्ति बिना डरे सह में सच को दिखाने का काम करता था, उस सच को दबाने के लिए उसको एनएसए लगा दिया गया, वो देश और राज्य के लिए खतरा थोड़ी है। ये देख लीजिए इस रक्सौल में मनीष कश्यप का बात सुनकर यहाँ पे कितने लोग भीड़ लगा दिए, दिखाइए इधर घुमा के, ये सारे लोग बात सुन रहे हैं, ये सारे लोग मनीष कश्यप के लिए ही दुआ मांग रहे हैं, तब जाकर यहाँ पे रुके हैं। इनसे भी आइए कुछ पूछते हैं, आप क्या बोलिएगा मनीष कश्यप के लिए, 2 शब्द मात्र बोलिए। मनीष भैया बहुत अच्छे पत्रकार है और बिहार के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। रिहा तो हो रहे हैं फिर फंसा दिया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पे सरकार को? इस पर हम यही करेंगे कि वैसा ना करे, उनके साथ में कोई ऐसा नहीं है कि उन बिहार के लिए लड़े, वो लड़ रहे हैं तो उनका साथ देना चाहिए। देखिए बिहार की एक एक महिला से आप पूछ लीजिए, आकर आप सर्वे करवा लीजिए, जब भी मनीष कश्यप के लिए एक एक महिला एक एक बच्चे रो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को शर्म नहीं आ रही है, कहने में भी शर्म आना चाहिए ना। अरे मनीष कश्यप है और एक अकेला वो व्यक्ति है जो सौ में बिहार लेकर पूरे भारत में घूमते हैं। आइए मैडम से एक और सवाल करते हैं, मनीष कश्यप के पहले क्या कोई सौ में बिहार करके बिहार से बाहर घूमता था? ना घूमता था, ना कोई मनीष था, ना मनीष है, ना मनीष होगा, लेकिन मैं पूछती हूँ यही ना भारी पड़ गया है। और मनीष जो है सूरज है, और जो इतना छोट पैका पत्रकार जो उनका विरोध कर रहा है वो सब सूरज को दिया दिखाने का काम कर रहा है, आसमान में थूकने का काम कर रहा है। मैं पूछती हूँ क्या आप लोग मनीष कश्यप बन सकते हैं? मनीष के नक्शे कदम पे हम तो चाहेंगे कि बिहार का हर लाल मनीष कश्यप बन जाए। लोग कहता है ना कि सबके घर में भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, क्या बात है, कहना कितनी आसान है, तो सबसे बड़ी बात है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर का रोग कांडवा हो जाए तो कौन जाएगा, बोलिए, आपको पता है ना कौन विरोध कर रहा है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द इनकी जीवनी खंगाला जाए प्रशासन के द्वारा, और इन लोगों की असलियत जो मनीष में खोजा जा रहा है वो बिन खोजे ये छोट भाई का पत्रकार सब में मिल जाएगा जो मनीष का विरोध कर रहा है। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न देखा कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। ये देखिए इनके बातों पे गौर किया जाए और आप लोग भी कीजिए। अरे एक बात सोचिए, कुत्ता भी कुत्ते का मांस नहीं खाता है, शेर भी शेर का मांस नहीं खाता है। यार आप लोग कैसे पत्रकार हैं कि एक पत्रकार का विरोध कर रहे हैं? सोचिए कितनी शर्म की बात है कि आप लोग जैसे इतने बड़े बड़े नेशनल चैनल वाले लोग, यहाँ बात मनीष की नहीं है, बात पत्रकार की है, यहाँ बात लड़ाई मनीष की नहीं है, मनीष का समर्थन नहीं, बिहार की है। देखिए इनका कहना मनीष कश्यप का समर्थन करना नहीं है, यानी जितने भी पत्रकार उन लोग उनके जैसा काम कर रहे हैं उन सबका आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई मनीष लड़े है, पूरे बिहार वासियों के लिए मनीष लड़े, मजदूरों के लिए जेल गए, और मजदूर की अगर आवाज नहीं बनते तो बिहार सरकार आज उनको तरह तरह की दफाएं लगाकर घसीटता नहीं, और आज मनीष की वो दुर्दशा नहीं होता जो आज बिहार सरकार की निकम्मी सरकार, बिहार की डिप्टी सीएम निकम्मी, जो आज मनीष को अपनी एड़ी चोटी एक कर दिया, 40 लाख की बात कर रहा है, जहां 600 करोड़ की मामला है, सीबीआई पूछ रही है, मांग रही है, वैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं किया जाता है, वो सरकार चला रहा है। आज जो 40 लाख रुपया जो यूट्यूब से कमा के पूरा दुनिया के सामने दिखा रहा है, उसके पैसे पे सवाल खड़ी की जा रही है, कैसी सरकार है, कैसा प्रोटोकॉल है।
कैसा हमारे भारत का संविधान है? बाबा साहब अम्बेडकर क्या यही संविधान बनाए थे कि अच्छे को घसीटो और गलत के साथ सरकार बना के और अच्छे लोगों का शासन करो और परेशान करो पूरे बिहार को? अंबेडकर साहब बहुत अच्छा बना के और लिख के गए थे, लेकिन उनको उनके संविधान का विरोध हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक एक बिहार की जनता की दुर्दशा आज हो रही है, एक एक मजदूरों को गाली सुनना पड़ रहा है, पूरे बिहार वासियों को गाली सुनना पड़ रहा है, और इसकी आवाज मनीष भाई बन गए तो जेल जाने का के साथ साथ आज एक किता कल दूसरा किता दर्जनों लदा गया। गुनाह क्या है? सत्य बोलना। अरे भगवान से तुम लोग डरो, कोई सत्ता में सत्ता कोई साथ नहीं जाएगा। और बिहार की जनता बिल्कुल जग चुकी है, जब तक मनीष की रिहाई नहीं होगी, मनीष को इंसाफ नहीं मिलेगा, बिहार का एक एक युवा का जब सामना बिहार सरकार डिप्टी सीएम को करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। कब तक बंद करके रखिएगा? कब तक? मैं पूछती हूँ आपसे, मुझे लग रहा है कि आप लोग को इतना डर है 24-25 आने वाली चुनाव, और मुझे ताजुब हो रहा है भाजपा सरकार से कि जिस भाजपा के लिए वो बदनाम हो गया, वो भाजपा अपनी चुपकी क्यों लगा रखी है, क्यों नहीं अपनी ताकत दिखा रही है, क्यों नहीं हमेशा से सत्य का साथ दिया भाजपा, आज क्यों नहीं मनीष भाई का साथ दे रहा है? देखिए, ये चाहे किसी का सरकार हो, बार बार जब बोलते लोग हम पत्रकार के साथ है, तो इनके लिए वो लोग दो शब्द ट्वीट क्यों नहीं कर दे रहे हैं? बताइए। हाँ, बस यहाँ पॉलिटिक्स को खत्म कीजिए, बात सरकार की है, यहाँ पॉलिटिक्स की बात है, पत्रकार सबका है, और बात यहाँ इंसाफ की है, बात यहाँ मजदूर की लड़ाई की है, बात यहाँ बिहार में बेरोजगारी की है, तो क्यों विपक्ष में बैठ के भी भाजपा अपनी चुपकी लगा रखी है? बस दो साहब ट्वीट कर दीजिए, क्या जा रहा है? अगर टीआरपी वाला मामला रहता है, ये लोग दुआरी पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके लिए ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है उनसे? एक पत्रकार से दिक्कत क्या हो सकता है? पत्रकार से दिक्कत है ना सत्य को दिखाना। वही लोग सौ सौ को आगे माइक रखवा के भाषण देते हैं, वही लोग ना देते हैं सौ सौ को माइक रखवा के आगे, वही ना आज नहीं ट्वीट कर दे रहे हैं, तो वही ना हम कह रहे हैं कि अब सौ सौ को माइक वाला लोग सरकार का चलाना ही छोड़ दे। ये लोग क्या कर रहा है वो जग जाहिरे नहीं होगा, अपने औकात में आ जाएगा लो। बस चलिए, जाते जाते एक सवाल कि नेशनल चैनल के चित्रा त्रिपाठी जी ट्वीट किए मनीष कश्यप के लिए एनएसए को लेकर, उनको क्या कहिएगा? उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, काश सब कोई चित्रा त्रिपाठी बने, मनीष भाई का समर्थन करें और उनसे एक सबक ले, और हम सब कोई चित्रा त्रिपाठी जी को बहुत बहुत दिल से साधुवाद आभार कर रहे हैं कि आप जैसा सब कोई मनीष भाई को समर्थन करें और मनीष भाई को न्याय दिलाने का काम करें, मनीष भाई की लड़ाई लड़ने की काम करें, मनीष भाई के सम्मान में अपना सम्मान देके तब जाके मनीष भाई को इंसाफ मिलेगा। बाकी आइए, चाचा जी एक घंटे से मुझे देख रहे हैं और इनसे भी दो शब्द पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। कहाँ घर है आपका? यहीं पे घर है। मनीष कश्यप को जानते हैं आप? नाम तो सुने हैं। नाम सुने हैं, और वो अभी सलाखों के पीछे है, कैसे समाज के लिए काम करते थे? समाज के लिए अच्छे काम करते थे, अभी जेल में है पिजड़ों में, क्या कहिएगा? ये सब सरकार के समझिए, ये सब कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है, इस बात को मान रहे हैं। सुनिए, क्या नाम हुआ भैया आपका? पवन किशोर कुमार। आप कहाँ से आए? यही से, घर यही से। मनीष कश्यप को जानते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते, सच सच बताइए। नहीं जानते हैं, पत्रकार हैं। जानते हैं पत्रकार, कैसा काम करते थे, कैसे लोगों के लिए आवाज उठाते थे, गलत करते थे कि सही कहते थे? नहीं, मतलब सही आवाज उठाते थे और सलाखों के पीछे उठाते थे। क्या उनके पहले कोई भी नेशनल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, उनके पहले तो डिजिटल मीडिया के नाम ही कोई ज्यादातर नहीं जानता था, लेकिन क्या कोई मीडिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करता था गरीबों के लिए? कोई नहीं, कोई नहीं करता था, लेकिन आज जब वो कर रहे हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया, क्या कहिएगा इस पे? तो एनएसए भी लगा दिया गया है, क्या कहिएगा सरकार? नहीं, ये गलत है, जो एनएसए लगा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसका प्रावधान है कि मतलब कोई व्यक्ति राज्य या देश के लिए खतरा होता है तो उस पर एनएसए लगाया जाता है, लेकिन जो मनीष कश्यप है वो भ्रष्टाचारियों के लिए खतरा था,
देश और राज्य के लिए थोड़ी खतरा है। ये संविधान में एनएसए जो होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो राष्ट्र के लिए जो खतरा होता है उस पे लगाया जाता है, तो यहाँ भ्रष्टाचारी में वो कब से कन्वर्ट हो गया? एनएसए का प्रावधान है कि देश मतलब यानी जो भारत राज्य और केंद्र दोनों लगा सकता है, राज्य और केंद्र दोनों लगा सकता है एनएसए, लेकिन यहाँ पे है ना राज ही लगाया इस पे एनएसए। तो राज्य के लिए क्या खतरा था मनीष कश्यप? राज्य के लिए खतरा नहीं था, जो अभी पार्टी है ना मतलब गठबंधन है जिनका सरकार है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, इनके लिए खतरा था ना। तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी के लिए बनाए थे कि आपके पार्टी के लिए कोई व्यक्ति खतरा बन जाए आम व्यक्ति, तो उस पर एनएसए लगा दीजिएगा? अरे तो गलत है, सरकार के मान रहे हैं, देखिये वो भ्रष्टाचारियों के लिए खतरा है। ये साफ तौर पे बिना जबान को लड़खड़ाए साफ साफ बोल रहा है कि सरकार के लिए खतरा है, भ्रष्टाचारियों के लिए खतरा है। जो मनीष कश्यप है ना वो समाज के लिए है, और समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और मनीष कश्यप में वो खूबी है। और मनीष कश्यप धरातल पर है ना एक चीज को दिखाए, और छोटे छोटे स्तर को है ना भ्रष्टाचार को उजागर किए हैं। वो देखने में छोटा था लेकिन भ्रष्टाचार बहुत बड़ा था। सड़क हो गया, नाली हो गया, जो मूलभूत सुविधा है हम लोग के लिए, जो हम लोग सरकार से मांगते हैं, जिसलिए वोट मांगते हैं, उसमें भी मतलब जो भी नेतागण है कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं सब घोटाला करते थे, उसको उजागर करते थे मनीष कश्यप। यही सबसे बड़ी दिक्कत है सरकार के लिए। बड़ी दिक्कत यही तो है, बाकी मेरा उन लोगों का जो भ्रष्टाचारी है, अब उन लोगों का भ्रष्टाचार का खुलासा हो नहीं पाएगा जल्दी, इसलिए उन्हें खुशी है। खुशी तो होगी ना, धरातल पर जो व्यक्ति बिना डरे सहमे सच को दिखाने का काम करता था, उस सच को दबाने के लिए उसको एनएसए लगा दिया गया, वो देश और राज्य के लिए खतरा थोड़ी है। क्या आपको लग रहा है एनएसए लगा देने से संभव है भ्रष्टाचार, मनीष कश्यप जेल में रह जाएंगे? जेल में नहीं रहेंगे लेकिन कुछ समय तक तो रह जाएंगे ना, लेकिन आएंगे तो जरूर, 3 महीना 6 महीने तक हो सकता है, कहीं साल भी लग जाए, लेकिन आएंगे तो जरूर, आएंगे जरूर, और उसे ही रिलाई करने का काम करेंगे। अच्छा रिलाई करेंगे, इनको रिलाई वाला बात याद है मनीष कश्यप का, रिलाई करेंगे, कहने का मतलब भ्रष्टाचारियों का रिलाई करते हैं तो उसमें तो हम लोग खुशी ना होने चाहिए। अच्छा आपको खुशी होता है ना, तो क्यों नहीं चाहिए, इन्हें खुशी होगा अगर जो सही कर रहा है तो हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसका विरोध करना चाहिए। बाकी मेरा प्रयास इसे रसकॉल से कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम लोग सड़क में ही बैठ के कहीं भी इंटरव्यू किसी का भी ले लेते हैं, क्या जरूरत है बड़का बड़का स्टूडियो में बैठ के करने से। आप लोग महान नेशनल चैनल वाले हैं, स्टूडियो में बैठ के विरोध करते रहिए, और लोगों को सही चीज के जगह गलत चीज दिखाते रहिए, हम लोग रोडे से टूटी फूटी कुर्सी पर बैठ के ही दिखा लेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन लोगों को जो सही चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे। और मेरे साथ पूर्णिमा भारती जी, आज इनके साथ मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।